देखा कि इसमें एक पैसा भी है और एक इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया और शौक भी था, तो फिर लाहौर में भी मैंने ऑफिस अपना एस्टेब्लिश कर लिया, फिर ग्वादर में भी ऑफिस एस्टेब्लिश का। जब मुझे पता चला कि ये एक प्रोजेक्ट है लॉन्च हो रहा है, एक तो ये लेक सिटी की बिल्कुल बाउंड्री के साथ है, ये पीछे लेक सिटी के घर हैं सारे, ये बाउंड्री है उसके साथ, इसका ए ब्लॉक है जी, अभी तो और हम ये इंशाल्लाह ऑल ऑथराइज ऑन डीलर एक सोसाइटी के साथ काम कर रहे हैं। अगला इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम अपनी सोसाइटी इंशाल्लाह अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मंशा ताहिर, द टैलेंट इंटरनेशनल में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ बिजनेसमैन, टैलेंटेड पर्सनैलिटीज से मिलाते रहते हैं। आज मैं लाहौर में मौजूद था, मैंने सोचा कि आपको एक ऐसी टैलेंटेड पर्सनैलिटी से मिलाया जाए जिनका रियल एस्टेट का बिज़नेस है। इन्होंने ये बिज़नेस कब स्टार्ट किया और अभी इन्होंने अपना ऑफिस जो है पाम विस्टा जो है रायवन रोड पर लेक सिटी की दीवार के बिल्कुल साथ और कबीर टाउन के बिल्कुल सामने से आप अंदर आते हैं तो ये स्टार्ट हो जाती है। ये एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पर एक टाउन बन रहा है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आज मैं पाम विस्टा में मौजूद हूँ। मैं आपको मिलाना चाहता हूँ पाम विस्टा में मौजूद अल हुसैन रियल एस्टेट एंड कंसल्टेंट के CEO जनाब मोहम्मद हसैन साहब के साथ। हसैन साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि आप बड़े मशरूफ़ थे, तो इसके लिए मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका ममनून हूँ। हसैन साहब, आज मैं लाहौर में था तो मैंने सोचा कि पाम विस्टा का विज़िट किया जाए, तो आप सबसे पहले ये बताएं मुझे कि रियल एस्टेट की तरफ आप कब आए। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मंशा साहब, आपके भी वक्त का और आपके आने का शुक्रिया। मैं बेसिकली तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ, फिर उसके बाद मैंने MPhil किया है, वो भी फाइनेंस। मेरी जो फील्ड है वो अकाउंटिंग और फाइनेंस है, लेकिन पैशन जो है वो मार्केटिंग का रहा हमेशा। मतलब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कह लें या प्रमोशन कह लें या इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट पर मेरा काम, अपना जो मेरा इंस्टीट्यूट है उस पर भी मैंने कॉर्पोरेट रिलेशंस में काम किया, तो कॉर्पोरेट सेक्टर से काम करने का इत्तेफाक हुआ। उसमें फिर जो है वो मुझे 2004 में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं एक कंपनी में एज ए फाइनेंस मैनेजर जॉब करता था, तो पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर लेते थे। तो वो इन्वेस्टमेंट किसी दोस्त के रेफरेंस से, उन्होंने मुझे कहा कि फ़ाइल ख़रीद लें, बैरिया टाउन की फ़ाइल थी, वो ख़रीदी, उसमें फ़ायदा हो गया। फिर इसी तरीके से हम ग्वादर चले गए, कुछ ग्वादर में इन्वेस्टमेंट की 2004, ये दिसंबर की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत फ्रूटफुल रही। फिर हम बस मतलब जो है ना, जब देखा कि इसमें एक पैसा भी है और एक इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया और शौक़ भी था, तो फिर लाहौर में भी मैंने ऑफिस अपना एस्टेब्लिश कर लिया, फिर ग्वादर में भी ऑफिस एस्टेब्लिश कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ग्वादर पता चला कि ये एक प्रोजेक्ट है लॉन्च हो रहा है, एक तो ये लेक सिटी की बिल्कुल बाउंड्री के साथ है, ये पीछे लेक सिटी के घर हैं सारे, ये बाउंड्री है उसके साथ, इसका ए ब्लॉक है और ये ऑन ग्राउंड सोसाइटी थी। ये नहीं है कि आप प्लॉट जो है वो बेची जा रहे हैं फाइल्स और प्लॉट पता नहीं मिलना है कि नहीं। यहाँ पर ये है कि हम ये कहते हैं कि आज आप अपना प्लॉट बुक करवाएं, कन्फर्मेशन बैलेटिंग के पैसे जमा कराएं, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ आप अपना प्लॉट नंबर हासिल करें और अल्लाह ने चाहा तो 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपको जो पहली बैलेटिंग है उसका इंशाल्लाह पोजेशन मिल जाएगा। हुसैन साहब, आप हमारे नाज़रीन को बताएँ कि आपका मेन हेड ऑफिस जो है, आपने बताया कि वो जौहर टाउन में है, इसके अलावा आपके अल हुसैन के कहाँ कहाँ ऑफिसेज हैं? अगर किसी भी दोस्त ने आपको अप्रोच करना हो तो उसके लिए आपने कौन कौन से टूल्स जो है सोशल मीडिया के या फिज़िकली, कैसे लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं? जी, एक तो मैंने जैसे बताया कि जौहर टाउन में मेरा हेड ऑफिस है, 64 जौहर व्यू नियर डॉक्टर्स हॉस्पिटल जौहर टाउन लाहौर, ये मेरा हेड ऑफिस है जहाँ पर मैं खुद बैठता हूँ। उसके बाद ये साइट ऑफिस है यहाँ पाम विस्टा लाहौर में, ये कंटेनर नंबर 6 हमारा है। उसके बाद मेरा ग्वादर में ऑफिस है, वहाँ पे फिश हार्बर रोड पर जो अपोजिट GPA कॉम्प्लेक्स। तो 3 अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिसेज हैं मेरे और तीनों एरियाज़ पर जो है वो टीम है, हम मिलके काम करते हैं। इसके अलावा मैंने फेसबुक पर अपना अल हुसैन के नाम से ही एक पेज बनाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी उसके लाइक्स हैं। फिर मैंने अल हुसैन मूविंग यू फॉरवर्ड के नाम से, मैंने बेसिकली अपना जो स्लोगन है वो अल हुसैन मूविंग यू फॉरवर्ड,
उसको अपना स्लोगन बनाया हुआ कि जो आपको आगे की तरफ जो है वो मूव करती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके कॉन्सेप्ट से ही जो है मैंने अपना फेसबुक पर एक अपना ग्रुप भी बनाया हुआ है, इसी तरीके से यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से ही है, और मेरा जो अपने ऑफिसेज हैं, मेरा जो कंपनी का नेम है वो भी अल हुसैन के नाम से ही है जी। हुसैन भाई, सबसे पहले आप हमें जो है ना, क्योंकि हम पाम विस्टा में बैठे हुए हैं, तो आप पाम विस्टा के बारे में मुझे बताएं कि इसके अंदर जो प्लाट्स हैं इनकी लोकेशन क्या है, और इस कितने कितने मरला का प्लाट जो है इस वक्त अवेलेबल है आपके पास, ये सारा इसके बारे में इसका पूरा रिव्यू जो है हमारे नाज़रीन को आप प्लीज़ करवाइए। जी मनीषा साहब, बहुत शुक्रिया। अभी जैसे आपने गेट से वो कवरेज की, गेट से ऑनवर्ड जो है ये ए ब्लॉक का पहला जो है वो मेन ये सड़क है जिस पर हम बैठे हैं। इस पर जो हमारे पीछे हमें जो ये नज़र आ रहे हैं हमारे जो ये टेम्प्रेरी ऑफिसेज़ हैं, यहाँ पर बेसिकली एक एक कनाल की अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं जो कंपनी बना के ख़ुद सोसाइटी आगे इंशाल्लाह लॉन्च करेगी। सामने इसके जो है सारी ये तीन मरला जो है वो कटिंग है, तीन मरला का जो प्लॉट है उसकी इस वक्त जो प्री लॉन्च प्राइस है वो 27.5 लाख रुपया है। 27.5 लाख में आपने 7,95,000 एडवांस देना है, 3 लाख कन्फर्मेशन देनी है, और 1,50,000 जो है अपने बैलेटिंग का देना है। तो आप 12,45,000 देंगे तो आप प्लॉट नंबर के मालिक बन जाएंगे जो कि ऑन ग्राउंड है, और अगर आप पोजेशन लेना चाहते हैं तो अगले 3 महीने में इंशाल्लाह सोसाइटी आपको पोजेशन देगी। आप पोजेशन चार्जेस पे करें, उसके 4 लाख रुपए पोजेशन चार्जेस हैं। वो चाहें तो आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स 2.5 साल की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, इजी इंस्टॉलमेंट्स हैं 2.5 साल की, उसमें जो है पर मंथ जो है वो 26,800 समथिंग की इसकी इंस्टॉलमेंट है जो आप 2.5 साल तक पे करेंगे, और आप 2.5 साल बाद इसकी पोजेशन लेना चाहते हैं तो पोजेशन ले लें। इसके बाद 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, उनकी प्राइस जो है वो 49,95,000 है, उसमें बुकिंग 7,50,000 रुपये, कन्फर्मेशन 7,50,000 है, फिर बैलेटिंग का 4 लाख है, बाकी फिर 2.5 साल इंस्टॉलमेंट्स में है। अभी जो है चूँकि इर्द गिर्द की जो सोसाइटीज़ हैं उसके अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इसके सामने जो अलकबीर टाउन है वहाँ पर इस वक्त 3 मरला का ऑन ग्राउंड प्लॉट 40 लाख से ऊपर है। ये पीछे जो है वो इस वक्त लेक सिटी है, यहाँ पर जो है वो इस वक्त 5 मरले का प्लाट 80 लाख से करोड़ का है। तो यहाँ पर जो है वो एक लो क्लास जो अच्छी सोसाइटी जो लोग हैं जो घर लाहौर में बनाना चाहते हैं, अगले 3 से 4 महीने के अंदर वो अपना घर बनाना शुरू कर सकते हैं। इस वजह से सोसाइटी को मैंने चूज़ किया कि लो क्लास जो मतलब हमारे जैसे जो वाइट कॉलर लोग हैं वो अपना घर बना सकते हैं और साथ साथ अपने इंस्टॉलमेंट्स भी पे करते रहे, इसी वजह से मैंने इस सोसाइटी को जो है वो चूज़ किया, और यहाँ अपना ऑफिस भी बनाया, और फिर दोस्तों को और सबको कहा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और अपने जो है यहाँ पर बैठ के लोगों का ताकि ट्रस्ट भी कायम रहे, इसलिए प्रयास देंगे। हुसैन भाई, एक तो पाकिस्तान के जो लोग हैं या पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं या लाहौर इस एरिया के लोग हैं आप तक अप्रोच कर सकते हैं, तो हमारे बहुत से ओवरसीज़ भाई जो हैं बाहर बैठे हैं वो भी चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए एक अच्छी रहाइश बनाएं, तो आपका कोई ऐसा सिस्टम है कि बाहर के जितने भी ओवरसीज़ लोग हैं आपको अप्रोच कर सकें? अभी तो जी हमने बाहर ऑफिस अपना इस्टेब्लिश नहीं किया, यूके में मेरे छोटे भाई हैं, वहाँ मैंने एक सेटअप बनाया था, लेकिन चूंकि उनका जो है वो अपना बिज़नेस है वहाँ पर, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि यूके में और दुबई में और यूएसए में जो है इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम अपना ऑफिस एस्टेब्लिश करें। फ़िलहाल जो है हम अपना जो है वो सोशल मीडिया से ही कोशिश करके लोगों को जो है वो अप्रोच कर रहे हैं ताकि जो भी लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सबसे बड़ा मसला है कि इस वक्त लाहौर में या कहीं भी सोसाइटीज सेल नहीं हो रही, आप समझ लें कि फाइल्स सेल हो रही हैं, जस्ट फॉर्म सेल होता है, पीछे प्लॉट है नहीं है, कब मिलना है, 4-5 साल का इंस्टॉलमेंट है, 2-3 लाख दें और बस आप मतलब जो है वो बाकी देते रहें। यहाँ पर जो है वो बेसिकली ऑन ग्राउंड ये सोसाइटी है, इसकी जो डेवलपमेंट है जितनी तेज़ी से जारी है इस वक्त जिस तरीके से हम बैठे हुए हैं, तो हम जो है वो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स बेच रहे हैं, हम फाइल्स नहीं बेच रहे, हम जो है वो इसी वजह से गारंटी करते हैं कि आप आएँ अपनी इन्वेस्टमेंट करें और अपना प्लॉट लें घर बनाएं। हुसैन साहब, क्योंकि ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं जी। आपका ऑफिस तो बाहर नहीं है लेकिन माशाल्लाह अल हुसैन जो है उसका ऑफिस पाम विस्टा में भी है, ग्वादर में भी है, तो आया कि मैं अगर आपका नंबर अपने चैनल के तवसल से शेयर कर दूं तो आप उनको ये सहूलत दे सकते हैं कि वो आपसे बात कर सकें, और अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा? जी बिल्कुल जी, आप नंबर शेयर करें जी, डेफ़िनेटली नंबर होगा हमारा। एक तो मैंने अल हुसैन का पेज बताया है, अल हुसैन के पेज को सर्च कर लें, ग्रुप है मेरा अल हुसैन मूविंग यू फॉरवर्ड के नाम से, उससे भी मेरे कॉन्टैक्ट नंबर उनको मिल जाएंगे। वैसे भी मैं जो है वो मेरी वेबसाइट मैं बता देता हूँ, www.alhusainassociates.com।
अगर कोई ईमेल करना चाहे दोस्त info@alhusainassociates.com, अगर कोई टेलीफोनिकली रब्ता करना चाहे 03008499912 पर रब्ता कर सकता है जी। हसैन भाई, रियल इस्टेट का बिज़नेस कैसा है, इसके बिज़नेस कैसा है? मैंने सर 2004 से आज तक देखा है रियल इस्टेट का बिज़नेस कभी खसारे में नहीं रहा। मैंने आज तक मतलब किसी और चीज़ में ट्रेड नहीं की, हालांकि मैं ख़ुद जो है वो एक प्रोफेशनल हूँ। मैंने आज तक जो है वो ना कभी स्टॉक्स में कभी इन्वेस्टमेंट्स की, ना मैंने कभी शेयर्स में, ना मैंने कभी कोई गोल्ड या इंटरनेशनल मार्केट्स होती हैं तमाम चीज़ें। मैं समझता हूँ कि रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, सबसे पहली बात है सेफ़ हो, दूसरी बात यह है कि ये चीज़ जो है वो आपके पास होती है जब भी चाहें, रेट ऊपर हो या नीचे हो, आपको यहाँ से वक्ती तौर पर तो हो सकता है। मैं आपको बताऊं, बिज़नेस की एक टिप है दुनिया में, एक बड़ी इंटरनेशनल है, कि कोई भी बिज़नेस सब्र और ख़बर के अलावा नहीं हो सकता। ख़बर यह है कि मैंने जैसे आपको ख़बर दी कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, ये ख़बर है, और अगर यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट कर ली है तो मैं अगर खुदा न खास्ता वो उतने टाइम में राइज़ नहीं की तो फिर सब्र करें। रियल इस्टेट में जो है वो कभी नुकसान नहीं हुआ। मैंने अपने ये जो 15 साल 16 साल मेरा कैरियर है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रियल इस्टेट में कभी नुकसान नहीं देखा। मोहम्मद हसैन भाई अल हुसैन जो है अपने कस्टमर को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम जी यही है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा खूबसूरत मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम ये चाहते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज भी हैं, पाकिस्तान में भी रहने वाले हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहें और एक दूसरे की हेल्प करें। सबसे पहले आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने इंसान में सूरह बकरा में 176 आयत है, अगर कोई भी बंदा पढ़े तो उसमें सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो है वो मतलब आप समझ लें तौहीद है, जो ईमानियात की चीज़ें हैं, उसमें मामलात सबसे पहले कि आप अपने लेन देन अपने रिश्तेदारों के साथ, मस्कीनों के साथ, आखिर पे हमारी जो है इबादत का जिक्र है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है वो हम उसके उल्ट चलते हैं। तो मेरा ये पैगाम है कि आप इंसानियत की खिदमत करें, लोगों के काम आएँ, लोगों के साथ धोखा फ्राड ना करें, जो रिस्क आपके नसीब का वो आपको मिल जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नसीब कोई आप नहीं ले सकते और आपका नसीब मैं नहीं ले सकता, अल्लाह ताला ने ऊपर से लिख के भेजा है। तो अगर हमारा ये यकीन होगा, मेरा यही पैगाम है कि आप अपने अपने नसीब की बात करें, फेर रहें, अच्छा काम करें, खुश रहें और खुश रखें जी। हसैन भाई आपकी तरक्की का राज क्या है? तरक्की का राज बड़ा मुश्किल सवाल। देखिए सबसे पहले तो अल्लाह का करम है जी, और मैं समझता हूँ कि उसके बाद मेरे माँ बाप की दुआएँ खसूसी तौर पे जो हैं वो मेरे साथ शामिल हाल रही, और फिर दूसरी बात यह है कि शुरू से ही हमें बुज़ुर्गों के साथ बैठने उठने का इत्तेफ़ाक़ हुआ, बुज़ुर्गों की दुआएं लेने का इत्तेफ़ाक़ हुआ। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो तरक्की है वो सबसे पहले तो ये जो मैं लोगों की दुआएं मिलती हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से उनकी दुआएं मिलती हैं, तो हमें अल्लाह ताला ने बहुत कुछ नवाजा है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं अपनी तरफ से पॉजिटिविटी के साथ, तो अल्लाह ताला जो है बरकत देता है। यही जनाब हमारी तरक्की का राज है। दोस्तों ये थे मेरे साथ अल हुसैन के CEO मोहम्मद हसैन साहब, जो कि पाम विस्टा इसके साथ ग्वादर और लाहौर की मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ में रियल इस्टेट का बिज़नेस कर रहे हैं, और इनका बिज़नेस जो है वो बड़ा शफाफ है, और इनका ऑफिस जो है पाम विस्टा के अंदर, और इसके साथ इनका हेड ऑफिस जो है जोहर टाउन में है, और एक ऑफिस जो है वो ग्वादर में है। अगर कोई हमारा दोस्त इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, या किसी सोसाइटी में अपना घर बनाना चाहता है, इनसे मशवरा लेना चाहता है, तो मैं इनका नंबर जो है आपके साथ शेयर करूंगा। वो तमाम हमारे दोस्त जो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान के बाहर हैं, जो हमें देख रहे हैं, मैं अपने बिहाफ पर जो है आपको बता रहा हूं कि ये बड़ा ही शफाफ काम करते हैं, बहुत प्यारे भाई हैं, और अच्छा मशवरा देंगे आपको, आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो ज़ाया नहीं होगी। तो मैं हुसैन साहब का नंबर आपके साथ शेयर करूंगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और अपने लिए रिहायश भी बनाएं और इन्वेस्टमेंट भी करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। उम्मीद है कि आज की हमारी शख्सियत, आज का हमारा टैलेंट आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुँचती रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें।